कानपुर के किदवई नगर के एन ब्लॉक में परचून की दुकान में लगी भीषण आग। आग की सूचना पर पहुंची दमकल की 3 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। आग लगने की वजह से लाखों का माल जलकर हुआ खाक। भीषण आग को काबू में करने में जुटे दमकल कर्मी, आसपास के घरों को कराया जा रहा खाली। आग लगने का कारण नहीं हो सका स्पष्ट। कानपुर के किदवई नगर थाना क्षेत्र के एन ब्लॉक इलाके की पूरी घटना। देखिए, किदवई नगर क्षेत्र में एक प्रोविजन स्टोर में आग लगने की सूचना प्राप्त होने पर फायरफोर्स के और लोकल पुलिस के टीम इमीडिएटली रेस्पॉन्ड करते हुए आधे घंटे के अंदर ही आग को कंट्रोल किया है। ये राकेश प्रोविजन स्टोर में आग लगी थी और जो उसके जो टॉप फ्लोर में जो इसके परिवार के सदस्य भी रहते थे उन सारे लोगों को सुरक्षित तरीके से निकाल दिया गया है। पुलिस आयुक्त महोदय और हम मौके पे हैं और उनसे जो परिवार के जो लोग हैं उनसे भी और स्थानीय लोगों से बातचीत की गई है। सब लोग सुरक्षित हैं, उनको सबको रेस्क्यू किया गया है और हमारी फायर सर्विस की टीम है वो मौके पे है। और देखिए, अभी चूंकि इसमें नीचे ग्राउंड फ्लोर में प्रोविजन स्टोर था और ऊपर जो लोग रहते भी थे उसी स्टोर के जो ओनर्स हैं, तो सबसे पहले प्रायोरिटी तो यही था कि जो लोग वहां पे रह रहे हैं उनको सुरक्षित तरीके से निकाल दिया जाए और वो फायरफोर्स की टीम के द्वारा किया गया है। और अभी जो स्टोर है और उसके हर एक कोनर में सैनिटाइज करते हुए आग को काबू पाने का कार्य चल रहा है और हमारी टीम मौके पे काम कर रही है। सर, किस जगह आग लगी थी और क्या स्थिति है? किदवई नगर में जिला पर श्री राकेश उपाध्याय और उनके भाई, इनकी प्रोविजन स्टोर की दुकान है, उसी के ऊपर उनका आवास भी है। आज मंगलवार की वजह से स्टोर बंद था। इसमें धुआं अपने बाहर निकलने पे आग के बारे में सूचना मिली है। इनका परिवार इसी शॉप के ऊपर आवासित भी है। तत्काल यहाँ पर स्थानीय पुलिस, फायर सर्विस और प्रशासन के लोग पहुँचे हैं। उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। सबसे पहले तो उन्होंने परिवारजन जो फंसे हुए थे उनको बचाया है, सकुशल बचाया है और आग पे भी आधे घंटे में ही पूर्ण काबू पा लिया है। जानमाल का कोई नुकसान नहीं है, जो संपत्ति का नुकसान है उसका बाद में एस्टिमेट निकाला जाएगा। फिलहाल मौके पर आग बुझी हुई है।